महाभारत युद्ध के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ। जय श्री कृष्णा मित्रों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नी का बाद में क्या हुआ था, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गंधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी और इसमें वह सभी विधवा महिलाएं थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि देवव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने साथियों और घरवालों के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरगति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोक में वास कर रहे साथियों और घरवालों से मिलाऊंगा, तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वे सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हो। ये देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आवाहन से आए वह योद्धा अपने लोक को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लग गए थे। तब महर्षि व्यास जी ने वहाँ उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियाँ अपने पत्नियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पत्नियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राण को त्याग कर अपने पतियों के लोक में चली गई थी।